हेलो, मैं जीपी दुबे आप लोगों को आईटीआई आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टर का यूज होता है, तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो एसी थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो ज्यादा एचपी की मोटर होती है, तो उसमें यानी आपका 5 एचपी से ज्यादा की मोटर होती है, तो उसमें हम ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का एक सर्किट डायग्राम बनाया है, तो इसके बारे में मैं आज विस्तृत रूप से बताऊंगा। अतः इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल आईटी आइकन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए, ये आपका स्टार्टर का फिगर है। इसमें देखिए, ये स्टार है, ये डेल्टा है और ये लाइन है। तो ये तीन कॉन्टेक्टर है। ये क्या है? कॉन्टेक्टर। इसको बोलेंगे कॉन्टेक्टर। एक स्टार का कॉन्टेक्टर है, एक डेल्टा का कॉन्टेक्टर है, सप्लाई लाइन का कॉन्टेक्टर है, और इसमें ओवरलोड कॉयल है। ये दूसरा ओवरलोड कॉयल है, तीसरा ओवरलोड कॉयल है। और यहां से L1 यानी रेड कलर का वायर दे रहे हैं, और L2 मतलब येलो कलर का वायर का सप्लाई दे रहे हैं इसमें OLC के थ्रू, और L3 मतलब ब्लू कलर का हम यहां वायर दे रहे हैं, और यहां एसी 440 वोल्ट दे रहे हैं। यहां कितना दे रहे हैं? एसी थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं, यानी 440 वोल्ट दे रहे हैं। और ये A1, B1 और C1 और A2, C2, B2, ये तीन तीन तार और तीन तार, ये छह तार यहां मोटर के लिए कनेक्शन जा रहा है इधर और इधर। ये एसी थ्री फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में इसका हम सप्लाई दे रहे हैं। और ये NVC है, यानी नो वोल्ट कॉइल, एक स्टार कनेक्टर, स्टार का जो कॉन्टेक्टर है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये दूसरा नो वोल्ट कॉइल है, जो ये डेल्टा कनेक्टेड जो इसका कॉन्टेक्टर है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये आपका जो तीसरा NVC है, तीसरा NV और सी है, तीसरा NVC है, ये लाइन के साथ यानी अब ये मोटर के साथ ये जुड़ेगा। तो ये देखिए, स्टार्ट पुश बटन स्विच है ये वाला, ये स्टार्ट पुश बटन स्विच होता है जो ग्रीन कलर का होता है, और ये स्टॉप पुश बटन स्विच है जो सी है, नॉर्मली क्लोज्ड और ये नॉर्मली ओपन है, और ये टाइमर है जो सर्किट के साथ जुड़ता है। अब देखिए, इसका ये ऊपर वाला जो कॉन्टेक्ट है ये L1 के साथ जुड़ा है, ये मेन कॉन्टेक्ट है, एक दो तीन, एक दो और तीन, ये मेन कॉन्टेक्ट है, और ये नीचे वाला ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, ठीक है। आता है, ये नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज है। इसको हम नॉर्मली क्लोज बोलते हैं, ये नॉर्मली ओपन है। और यहां देखिए, ओवरलोड का यह ट्रिप कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जब मोटर ज्यादा लोड हो जाती है मोटर में, तो ज्यादा करंट अगर पास करने लगता है तो ये इसको ये ट्रिप कराती है, जिसके चलते क्या होता है कि यहां आपका ये इधर NVC में सप्लाई नहीं जाती है, और जिसके चलते मोटर में सप्लाई नहीं जाती है और मोटर का चलना बंद हो जाता है। तो कह रहा है, यह स्टार्टर थ्री फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें मोटर, इसमें ओवरलोड रिले समेत तीन कॉन्टेक्टर लगे होते हैं। इसमें ओवरलोड रिले है, उसके साथ तीन कॉन्टेक्टर लगे हुए होते हैं, जैसे एक लाइन कॉन्टेक्टर, एक स्टार कॉन्टेक्टर और एक डेल्टा कॉन्टेक्टर होता है। एक लाइन कॉन्टेक्टर, एक लाइन कॉन्टेक्टर,
एक स्टार कॉन्टेक्टर और एक डेल्टा कॉन्टेक्टर लगे हुए होते हैं। इसी स्टार्टर के अंदर ऑन और ऑफ पुश बटन होता है तथा स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए टाइमर भी लगा होता है। इसमें क्या होता है, ऑन पुश बटन होता है, इसको ऑन पुश बटन कहते हैं, ऑन या स्टार्ट बोलते हैं, और ये स्टॉप पुश बटन होता है, और एक स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए एक टाइमर लगा रहता है। जब मोटर को स्टार्ट करना होता है तब उस समय ऑन पुश बटन को दबाते हैं। कह रहा है कि जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो हम ऑन पुश बटन को इधर से हम टच करते हैं, यहां पर हम टच करते हैं तो क्या होता है, यहां से आपका देखिए L3 होके जो ये सप्लाई आ रही है, सप्लाई वोल्टेज स्टॉप स्विच होते हुए, इसको हम ऑन करते हैं तो एक यहां चली जाती है ऑक्सिलरी के ये कॉन्टेक्ट में, NC में चली जा रही है, और दूसरा यहां से क्या हो रहा है कि दूसरा ये जो पॉइंट है यहां पर पहुंच जा रही है, और इसके थ्रू यहां पर NVC में NVC को सप्लाई मिल रहा है, और NVC को दूसरा सप्लाई आपका L2 से मिल रहा है। इसी तरह इसमें भी दूसरे NVC का वही है आपका L2 से मिल रहा है, और इसका यहां इस टाइमर वाला NC के द्वारा मिल रहा है, और तीसरा जो NVC है उसको भी L2 से, और यहां दूसरा पॉइंट जो है आपका यहां NC के द्वारा मिल रहा है। ठीक है, तो जब मोटर को स्टार्ट करना होता है तब उस समय पुश बटन को दबाते हैं, और लाइन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर मैग्नेट बन जाते हैं। तो क्या होता है, ये लाइन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ये दोनों मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट बनने के चलते क्या होता है, मैग्नेट बनता है और मोटर स्टार में चलना प्रारंभ कर देती है। और मोटर क्या होती है, ये लाइन और स्टार वाला जब होता है तो ये कॉन्टेक्टर पकड़ लेता है, तो मोटर स्टार पोजिशन में चलने लगती है। एक निश्चित समय यानी 3 से 10 सेकंड के अंदर क्या होती है, टाइमर स्टार कॉन्टेक्टर को ऑफ कर देता है। ये टाइमर क्या होता है, स्टार कॉन्टेक्टर को इसको ऑफ कर देता है, और डेल्टा कॉन्टेक्ट को इसको ऑन कर देता है, यानी ये मैग्नेटाइज हो जाता है, और इस प्रकार मोटर डेल्टा में चलना शुरू कर देती है, और मोटर क्या होती है, डेल्टा में चलना जारी हो जाता है, चलना चालू कर देती है। तो मोटर को स्टार से डेल्टा में चलाने के लिए जितना समय लगता है उसे टाइमर के द्वारा सेट करते हैं, यानी ये जो मोटर आपका इधर लगता है उसको स्टार से डेल्टा में चलने के लिए क्या करते हैं, हम इसको इस टाइमर को सेट करते हैं। ठीक है, यानी ये एक मोटर को चलाने के लिए सेफ्टी डिवाइस है, और ये क्या ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा है स्टार्टर यही कहलाता है। यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम AC 3-phase सप्लाई देते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप मोटर का कनेक्शन करते हैं, A1 B1 C1 और A2 C2 B2 को, मोटर का फेज सीक्वेंस टेस्ट करते हैं, मोटर का अर्थ टेस्ट करते हैं, मोटर का फेयर टेस्ट करते हैं, इतना कर लेते हैं, मोटर का जो सारा लीड सब निकाल के, और मोटर में A1 टर्मिनल को स्टार्टर के A1 टर्मिनल में देते हैं, मोटर के B1 टर्मिनल को स्टार्टर के B1 टर्मिनल में देते हैं, मोटर को C1 टर्मिनल को मोटर के C1 टर्मिनल में देते हैं, मोटर के A2 टर्मिनल को स्टार्टर के A2 टर्मिनल में लगाते हैं, मोटर के C2 टर्मिनल को स्टार्टर के C2 टर्मिनल में लगाते हैं, और मोटर के B2 टर्मिनल को मोटर स्टार्टर के B2 टर्मिनल में लगाते हैं। अब क्या करते हैं, हम इधर से सप्लाई वोल्टेज 440 वोल्ट हम देते हैं, तो देने के बाद हम स्टार्ट स्विच को, ऑन स्विच को जो होता है ग्रीन कलर का, उसको हम दबाते हैं। तो क्या होता है, पहले आपका स्टार कॉन्टेक्ट और लाइन कॉन्टेक्ट, इसका जो मैग्नेट है, इसका NVC है, ये दोनों ये मैग्नेटाइज हो जाता है, जिससे चलते ये कॉन्टेक्ट ये आपस में लाइन का कॉन्टेक्ट और स्टार का कॉन्टेक्ट पकड़ लेता है, और क्या होता है, मोटर आपका स्टार कनेक्शन में स्टार पोजिशन में चलने लगता है। फिर ये टाइमर के द्वारा 3 से 10 सेकंड के अंतर्गत क्या होती है, ये स्टार का जो आपका कॉन्टेक्टर है, ये आपका
ट्रिप कर जाती है, हट जाती है और ये 3 से 10 सेकंड के अंदर ये डेल्टा कनेक्शन वाला जो ये होता है कॉन्टेक्टर होता है, ये इसका मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसके कारण मोटर क्या होता है डेल्टा पोजिशन में चलने लगता है। यानी डेल्टा पोजिशन मतलब मोटर फुल रनिंग में चलने लगता है, यानी मोटर को पहले स्टार में चलना चाहिए। तो स्टार में चलने से क्या फायदा है कि मोटर में जितना वोल्टेज मिलता है उससे आपका 1/√3 वोल्ट मोटर को कम मिलता है, जिससे मोटर 2 से 2.5 गुना करंट मोटर कम लेती है। और मोटर जब चलने लगती है फिर 3 से 10 सेकंड के अंदर मोटर डेल्टा में चलने लगती है। तो मतलब ये मोटर जो हम स्टार्टर लगाते हैं तो ये स्टार्टर का मेन वर्किंग प्रिंसिपल है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल आईटी आइकन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।